भोपाल में आयोजित सपाक संगठनों के प्रदर्शन ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। इसी मामले में महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि सपाक्स सरकार से नाराज नहीं है, जबकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक तरफ SC ST एक्ट के बढ़ते विरोध ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि सपाक्स संगठन सरकार से नाराज नहीं है, जबकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है और आने वाले वक्त में यह नाराजगी दूर हो जाएगी। विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए, न कि जातिवाद की। मैं समझता हूँ कि गुमराह हो रहे लोग, और इसलिए जब सब लोगों को समझ में आ जाएगा तो मैं नहीं समझता कि पार्टी से कोई नाराज होगा या मोदी से कोई नाराज होगा। तो ये मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं। मैं तो सभी सपाक्स के लोगों से भी और हमारे जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनका खिलौना बनने की ज़रूरत नहीं है। हम देश के लिए लड़ें, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ें, राष्ट्रवाद की बात करें। सिर्फ मैं, मेरा समाज, यहाँ तक नहीं, मेरा देश अगर नारा लगाना हो तो ये लगाएं कि जात हमारी कोई भी हो, धर्म हमारा हिंदू हो, धर्म हमारा कोई भी हो, माता हमारी भारत माता। वहीं विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि मोदी विरोधी ताकतें देश को भी तोड़ने में जुटी हुई है। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ऐसे ही संगठनों और तथाकथित NGO के साथ है जो देश का डेवलपमेंट नहीं चाहते। देखिए, ऐसा है कि अर्बन नहीं, कांग्रेस, वामपंथी, तथाकथित NGO जो विदेशों से फंडेड थे, जिनका विदेशी फंड मोदी जी ने बंद कर दिया है, तथाकथित वो साहित्यकार जो सरकार के सहारे पर पुरस्कार प्राप्त करते थे, वो पुरस्कार लौटाने वाले सब लोग, ये सब लोगों का एक नेक्सस है जो देश में विकास नहीं चाहता है, देश को बांटना चाहता है। आप याद करिए कि जब नारे लगे विश्वविद्यालय में JNU में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उनकी पीठ थपथपाने कौन कौन गया था? कांग्रेस गई थी, राहुल जी, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी, टी राजा, आप पार्टी के नेता, ये सब तथाकथित साहित्यकार, NGO, उनके समर्थन में खड़े हुए। मैं समझता हूँ कौन इस देश का नागरिक है जो इस नारे को लगाने वाले लोगों के समर्थन में खड़ा होगा। कुल मिलाकर एक तरफ SC ST एक्ट के विरोध पर सरकार घिरी हुई है, तो वहीं BJP महासचिव पूरी तरह आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सपाक्स सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।